किस्सा टीवी आज आपको साल 1921 की कुछ बड़ी फिल्मों से रूबरू कराएगा। किस्सा टीवी ने अपने कुछ दर्शकों की विशेष मांग पर यह सीरीज शुरू की है और किस्सा टीवी को पूरी उम्मीद है कि आपको ये पेशकश जरूर पसंद आएगी। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। 1921 में भारत में साइलेंट फिल्में बना करती थी। इस वक्त तक टॉकी फिल्मों का दौर शुरू नहीं हुआ था। देश भर में 1921 में लगभग 40 फिल्में बनी थी। इसी साल आरएस प्रकाश ने मद्रास में स्टार ऑफ द ईस्ट फिल्म कंपनी की स्थापना की थी, मगर इस वीडियो में हम आपको 1921 की टॉप 5 फिल्मों की जानकारी देंगे। 1921 की पहली बड़ी फिल्म थी भक्त विदुर, जो कि माइथोलॉजिकल जोनरा की एक साइलेंट फिल्म थी। ये फिल्म कोहिनूर फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाई गई थी और इसे डायरेक्ट किया था कांजी भाई राठौड़ ने। भक्त विदुर भारत में बनी पहली ऐसी फिल्म थी जो विवादों में आई थी। यूं तो ये फिल्म भक्त विदुर के जीवन की कहानी थी, लेकिन इस फिल्म में भक्त विदुर के चरित्र को कुछ इस तरह फिल्माया गया था कि वो दिखने में बहुत हद तक गांधी जी जैसा लगता था। फिल्म की कहानी में कुछ सीन्स उस दौर के राजनीतिक परिदृश्य पर कटाक्ष करते हुए भी थे, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा संचालित उस वक्त के फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को भारत के कई इलाकों में बैन कर दिया था। अंग्रेजों के काले कानून रोलेट एक्ट के लागू होने के कुछ दिनों बाद ही ये फिल्म रिलीज हुई थी। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बैन करते हुए कहा था, हमें पता है आप क्या कर रहे हैं, ये विदुर नहीं है, ये गांधी है, हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। अपनी टिप्पणी में सेंसर बोर्ड ने यह भी कहा था कि इस फिल्म का मुख्य मकसद ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारतीयों के असंतोष को भड़काना है। फिल्म के जरिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन को लोगों का समर्थन दिलाने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है कि फिल्म में थोड़े बदलाव करने के बाद साल 1922 में इसे धर्म विजय के नाम से फिर से रिलीज किया गया था। हालांकि ये बात सही है या नहीं ये हमें नहीं पता। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें लीड रोल में नजर आए थे द्वारकादास संपत, इनके अलावा मानिकलाल पटेल, होमी मास्टर, प्रभास शंकर, गंगाराम और सकीना ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाए थे। फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 13 अगस्त 1921 को ये फिल्म मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज की गई थी। 1921 की दूसरी बड़ी फिल्म थी भीष्म प्रतिज्ञा, जो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीचर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पितामह माने जाने वाले रघुपति वेंकैया नायडू ने। उनके बेटे आरएस प्रकाश फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। ये फिल्म बनी थी स्टार ऑफ द ईस्ट कंपनी के बैनर तले, जो कि रघुपति वेंकैया के बेटे आरएस प्रकाश ने ही स्थापित की थी। आरएस प्रकाश ने ही इस फिल्म में लीड रोल निभाया था। उनके अलावा कुछ ब्रिटिश एक्ट्रेस ने भी इस फिल्म में काम किया था, हालांकि उनकी कोई तस्वीर हमें नहीं मिल पाई। इस फिल्म के निर्माण से पहले रघुपति वेंकैया ने अपने बेटे आरएस प्रकाश को फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग देने लंदन भेजा था। लंदन के अलावा इटली, जर्मनी और अमेरिका से भी आरएस प्रकाश ने फिल्म मेकिंग के गुर सीखे थे। 1921 की तीसरी फिल्म थी बिलत फेरत। इस फिल्म में उस जमाने के नामी फिल्मकार धीरेन्द्र नाथ गांगुली का लीड रोल था। इस फिल्म में उन्होंने पहली दफा एक्टिंग की थी और वही इस फिल्म के को प्रोड्यूसर व को डायरेक्टर थे। फिल्म के मेन डायरेक्टर थे नीतीश चंद्र लाहारी। उस जमाने में धीरेन्द्र नाथ गांगुली इंडो ब्रिटिश फिल्म बैनर नाम की एक कंपनी में पार्टनर थे। इसी बैनर तले ही बिलत फेरत का निर्माण भी हुआ था। बिलत फेरत को पहली फुल लेंथ बंगाली फीचर फिल्म होने का गौरव हासिल है। साथ ही इसी फिल्म को ही भारत में बनी पहली लव स्टोरी भी कहा जाता है। फिल्म की कहानी एक ऐसे युवा पर केंद्रित है जो विदेश से पढ़कर आया है और जिसे अपनी पढ़ाई पर बेहद घमंड है। बाद में उसकी मुलाकात अपने गाँव में रहने वाली एक लड़की से होती है, जिससे उसे प्यार भी हो जाता है। फिल्म में धीरेन गांगुली के अलावा मनमथा पाल, कुंजालाल चक्रवर्ती, सुशीला बाला, निरपेन बोस और नीतीश लाहिरी भी नजर आए थे। 1921 की चौथी बड़ी फिल्म थी
महासती अनसुईया। इस फिल्म को सती अनसुईया के नाम से भी जाना गया था। ये फिल्म डायरेक्ट की थी कांजी भाई राठौड़ ने और कोहिनूर फिल्म के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण हुआ था। फिल्म के लीड कैरेक्टर थे सकीना और आर्यन वैद्य। इस फिल्म में अभिनेत्री सकीना का एक न्यूड सीन शूट किया गया था। उस वक्त इस सीन के बारे में बहुत बातें हुई थी। इस फिल्म की गिनती 1921 की सफल फिल्मों में होती है। 1921 की पांचवी बड़ी फिल्म थी सुरेखा हरण। महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी ये फिल्म बाबूराव पेंटर ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म से ही भारत के मशहूर फिल्मकार वी शांताराम का एक्टिंग का सफर शुरू हुआ था। वी शांताराम ने इस फिल्म में भगवान कृष्ण का रोल निभाया था। इस फिल्म में वी शांताराम को डायरेक्टर बाबूराव पेंटर ने मौका दिया था। दरअसल शांताराम उन दिनों महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में ही नौकरी किया करते थे। स्टूडियो में साफ सफाई रखना और आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाना उनका काम था। फिल्म में वी शांताराम ने जबरदस्त एक्टिंग की। आगे चलकर वी शांताराम बहुत बड़े फिल्मकार बने।